अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मेरे बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला आपको हमेशा सदा खुश रखे। और आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ, आज बनाते हैं बीफ के कबाब। और तकरीबन 2 किलो से तकरीबन 2.5 किलो के बीफ का गोश्त है, और इसमें हसबे जायका नमक मिर्च डालेंगे, है रेड क्रश की हुई मिर्च, और ये हल्दी, सुरख मिर्चें और नमक, जो है सूखी मेथी, और जो है गर्म मसाला हसबे ज़रूरत। ये चला गया इसके अंदर। अब ये है प्याज हसबे ज़रूरत, मैं इतने ही डालती हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालने। ये है लहसुन, और इसी में जाएगी जो दाल मैंने अपने हिसाब से ली है, थोड़ी सी मुट्ठी भर चावल है और मुट्ठी भर दाल है। अब इसको मैंने धोना है, धो के फिर इसके अंदर डालूंगी। अब जब मैं 2 के ले आई हूँ तो अब मैं डालने लगी इसमें कुकर में। अब तकरीबन 2 गिलास से 2.5 गिलास में इसमें पानी के डालूंगी, और इसको 25 मिनट दूंगी। 25 मिनट के बाद प्रेशर डाउन हो जाएगा, फिर इसको खोलूंगी, और खोलने के बाद फिर इसमें मैं ये डालूंगी प्याज, इसको क्रश करके डालूंगी, और ये हैं सब्ज़ मिर्चियाँ, ये भी क्रश करके बाद में, और ये है सब्ज़ प्याज की जो पिछली साइड भूखे होती हैं वो, इसको क्रश नहीं करना, ये वैसे ही डालनी है, अच्छी लगती है। अब जो गोश्त मैंने ट्रांसफ़र कर लिया देजगी में, अब इसको ठंडा होने के लिए 2 से 2.5 घंटे इसको छोड़ देंगे। जब 2-3 घंटे हो चुके हैं, अब ठंडा हो गया, मैंने हड्डियाँ निकाल ली हैं, ज़्यादा कर ली हैं, तो जो मैंने मैश कर लिया है मशीन में, और अब जो मैश करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने सारा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब ये सब्ज़ मिर्चें मैंने साफ़ कर ली हैं, हाथ पे अच्छे तरीके से वाश कर लिए हैं, तो इसको ग्राइंड करके इसके अंदर डालूंगी, इसको बाद में मैश करके, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं करना, और वो वाली भूखे सब्ज़ प्याज को ऐसे ही डालनी है। ये हम सब्ज़ प्याज की जो मैंने काटी थी पिछला हिस्सा, वो मैंने डालने लगी, इसको मैश नहीं करना, ऐसे ही मैंने बारीक बारीक काट लिया है। जो सब्ज़ धनिया बारीक बारीक काट के धो के ये भी इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके कबाब बना के फिर मैं दिखाती हूँ तैयार करके। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, जितने बड़े छोटे साइज के। एक और बना के दिखा रही हूँ, जितनी भी आपकी पसंद हो वैसे साइज में आप बना सकते हैं, और हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि आसानी रहे बनाने में। अब बाकी मैं पूरे बना के फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने सारे बना लिए, बना के मैं लगी फ्राई करने, तो मेरे 2-2.5 किलो के तकरीबन 31 बने हैं, तो छोटा बड़ा साइज आपकी पसंद है। अभी चूल्हा मीडियम में है,
चूल्हा बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तेज करेंगे तो फिर वो स्वाद बढ़ भी सकते हैं। अगर एक डेढ़ मिनट उधर से और एक डेढ़ मिनट उस साइड, अब मैं लगी इसको दूसरी साइड चेंज करने। देखो कितने अच्छे बन गए, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। ना मैंने अंडा लगाया बगैर अंडे के फ्राई कर रही, चूल्हा बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान में। कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह। अब जो हो गया मैं निकालने लगी, देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं। आप भी बनाएं और ट्राई करें। ये कबाब का फाइनल लुक मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आप केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, जिसके साथ मर्जी खाएं, बहुत मज़ेदार बने हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।